आखिरत 14। मैंने कुछ अरसा पहले एक खबर पढ़ी थी जिस पर मुख्तसरा गुफ्तगू करना चाहता था। उसने एक ऐसे शख्स के बारे में इत्तला दी जिसकी कंपनी दिवालिया हो गई थी जब उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इस मामले पर उन्हें पछतावा था। मुसलमानों के लिए यह समझना जरूरी है कि जब भी उन्हें किसी भी किस्म की दुनियावी नाकामी या पशमानी का सामना करना पड़ता है तो उन्हें चाहिए कि वो अपने आप को याद दिलाएं कि आखिरत में लोगों को क्या पशमान होना पड़ेगा, जैसा कि बाब 89 अल-फज्र आयत 24 में मजकूर है, वो कहेगा काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। इस दुनिया में किसी के पछतावे के बाद हमेशा एक और मौका या दूसरे ऑप्शंस होते हैं जिनको वो एक बार फिर कामयाबी हासिल करने के लिए अपना सकता है, लेकिन आखिरत की पशमानी और नाकामी ऐसी चीज है जिसकी इसलाह नहीं हो सकती। आखिरत में इसका कोई दूसरा इम्कान नहीं। किसी को भी मुख्तलिफ तरीके से काम करने के लिए जमीन पर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए हर मुसलमान को दुनिया की नाकामियों और पेशीमानियों के मुकाबले में आखिरत में होने वाली नाकामियों की ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया में हलाल कामयाबी हासिल करने की कोशिश न की जाए। उसका मतलब है कि वो हमेशा दुनिया की कामयाबी पर आखिरत की कामयाबी को तरजीह दे। ये एक अहम जहनियत है जिसे मुसलमानों को इस दिन तक पहुंचने से पहले अपना लेना चाहिए, जहां उनकी नाकामियों और पेशीमानियों पर गौर करने से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। बाब 89 अल-फज्र आयत 23। और लाया गया वो दिन जहन्नम है, इस दिन आदमी याद रखेगा लेकिन इसका जिक्र कैसा होगा। हमारी वेबसाइट www.sheikhpad.com पर 400 से ज्यादा मुफ्त ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, इंफोग्राफिक्स, पॉडकास्ट और ब्लॉग दस्तयाब है।